तुझे देखे मेरी आंखें इसमें क्या। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों ने जैसा कि परवीन में वीडियो देखा है, आप लोग इसी तरीके का मैंने ट्यूटोरियल में लेकर आ गया हूं। आप लोग सेम इसी तरीके का स्टेटस वीडियो या रील बनाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को आप लोग एंड तक देखना होगा। उससे पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, तो आप लोगों को यहाँ से काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है 3.4 का जो रेशियो है इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, आप लोगों को थोड़ा सा वेट कर लेना है, फिर आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो गाइज, आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इजीली आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले आप लोगों को सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहां पे आप लोगों को एडिटिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहां पे फिल स्क्रीन करके क्लोज कर देना। उसके बाद आपको करना क्या है, और बैक हो जाना। बैक होने के बाद आप लोगों को यहां से जो मैं है एक बैकग्राउंड वाली इमेज है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दिया है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो आपको इसकी जो लेयर है आप लोगों को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है जितनी लंबी आपको वीडियो बनानी है। उसके बाद गाइस आगे चले जाना, ऊपर से बैक हो जाना। बैक होने के बाद लेयर पे जाना है एंड मीडिया पे जाना है और यहाँ से आपको एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। जो भी फ़ोटो आप लोगों को अच्छी लगे उस फोटो को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली मैं इस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी फ़ोटो आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है उसका जो बैकग्राउंड है रिमूव होना चाहिए। तो बैकग्राउंड इसका रिमूव कैसे करते हैं, तो नीचे चले जाना आप लोगों को, यहाँ पर मैजिक रिमूवर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे कुछ ही सेकंड में इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। यदि आप लोगों की कैनमास्टर में ये ऑप्शन ना मिले तो आप लोग गूगल से जाकर इसका जो बैकग्राउंड है रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसकी जो लेयर है वीडियो की लेयर के बराबर आपको कर लेना है। कर लेने के बाद आपको करना क्या है, इस फोटो को आपको थोड़ा सा हम रोटेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। आपको रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट कर लेना है वो, तो मैं यहाँ पर रोटेट वाले ऑप्शन पर चले जाते हैं। तो आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ से मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जो है इसको आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। उसके बाद बैक हो जाना। बैक होने के बाद आपको करना क्या, लेयर पे जाना है एंड मीडिया पे जाना है और यहाँ से मैं एक ब्लैक CIDO PNG जो है उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इजीली आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या, यहाँ पर आप लोगों को इसको एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पर रख देना है। उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करके इसको सेंड बैकवर्ड कर देना है। सेंड बैकवर्ड करने के बाद आपको इसकी जो लेयर है वीडियो के लेयर के बराबर खींच कर कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको आगे चलाना, ऊपर से बैक हो जाना, लेयर पे जाना है एंड मीडिया पे जाना है और यहाँ से मैं एक टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप लोगों को यहाँ से जो है इसका ब्लेडिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ से इसको स्क्रीन कर देना। स्क्रीन करने के बाद आपको इसको कुछ छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद आपको यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको इसकी जो लेयर है वीडियो के लेयर के बराबर खींच कर कर लेना है, तो यहाँ तक खींच कर कर लेना है। उसके बाद आगे चले आना, ऊपर चले आना, आप लोगों को एडजस्टमेंट पर सैचुरेशन वाले लेयर को आपको +100 कर देना। उसके बाद बैक हो जाना है। बैक होने के बाद लेयर पे जाना है एंड मीडिया पे जाना है और यहाँ से मैं एक किंग ऑफ हाइडर वाली जो PNG है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आप लोग इसको सेलेक्ट करने के बाद ब्लेडिंग वाले ऑप्शन पर आ जाना और यहाँ से इसको स्क्रीन कर देना। स्क्रीन करने के बाद बैक हो जाना है और इसको आप लोगों को ऊपर में यहाँ पे एडजस्ट कर देना बीचों बीच में। उसके बाद आपको इसकी जो लेयर है वीडियो के लेयर के बराबर खींच कर कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको चले जाना है ऊपर, एक इसमें इन एनिमेशन को लगा लेते हैं। तो आप लोगों को इन एनिमेशन पे चले जाना है और यहाँ से आप लोगों को एक जो है इन एनिमेशन लगा लेना है। तो जो आप लोगों को अच्छा लगे उसको आपको लगा लेना है। तो फाइनली जो मैं है यहाँ से इसको लगा लेता हूँ, तो वाइप राइट को कर लेता हूँ। उसके बाद बैक हो जाना। बैक होने के बाद आपको थोड़ा सा इसको बढ़ा के कैंची वाले ऑप्शन पे जाना है, आपको कट कर देना है। तो थोड़ी थोड़ी दूर पर आकर 2-2 सेकंड पर आप लोगों को स्प्लिट कर देना है ताकि जो बहुत अच्छी तरीके से वीडियो चले तो अच्छे तरीके से लगे। तो उसके बाद आपको बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको आगे चलाना, लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना और यहाँ से मैं एक हॉट इफेक्ट वाली वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या, स्प्लिट स्क्रीन पे चले जाना और यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर लेना। उसके बाद बैक हो जाना। बैक होने के बाद गाइस नीचे चले जाना आप लोगों को इसके ब्लेडिंग वाले ऑप्शन और यहाँ से इसको स्क्रीन कर देना। स्क्रीन करने के बाद बैक हो जाना है और लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है और यहाँ से मैं एक लैरी सॉन्ग को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। यदि आप लोगों को सॉन्ग पसंद आ रहा है, अगर आप लोग कोई दूसरा सॉन्ग लगाना चाहते हैं तो आप लोग दूसरा सॉन्ग इसी तरीके से लगा सकते हैं। तो नीचे चले आना आप लोगों को इसके ब्लेडिंग वाले ऑप्शन पर और यहाँ से आप लोगों को इसको ओपन करके यहाँ से स्क्रीन कर देना। स्क्रीन करने के बाद थोड़ा सा वीडियो को बढ़ा देना। उसके
उसके बाद आप लोगों को इस सॉन्ग को यहाँ पे एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद जो फाइनली जो हमारा है वीडियो बनकर तैयार हो गया है, सेम जैसा आप लोगों ने प्रीव्यू में वीडियो देखा, इसीलिए आप लोगों को ट्यूटोरियल में बनाकर दिखा दिया है। अगर आप लोग इसी तरीके का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को इसको गैलरी में करने के लिए आपको एरो पे क्लिक कर देना है और यहाँ से 1080 या 720 में आपको गैलरी में सेव कर लेना। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।